मुंबई इंडियंस पर आरआरआर का वार, चेन्नई सुपर किंग्स के हाथों करारी हार मिली है। आपको बता दें आज चेन्नई सुपर किंग्स ने लगातार दूसरी जीत हासिल की, जबकि मुंबई इंडियंस फिर जीतने में नाकामयाब रही। सीजन के दोनों मैचों में हार का सामना करना पड़ा है। शेर के मुंह में खून लगता है तो वह लगातार शिकार करने लगता है। आईपीएल में ये शेर फिलहाल चेन्नई सुपर किंग है और इसका सबसे ताजा शिकार है मुंबई इंडियंस। एमएस धोनी की कप्तानी वाली चेन्नई ने शनिवार को मुंबई इंडियंस के वानखेड़े स्टेडियम में घुसकर सबको सबक सिखा दिया। आईपीएल की दो सबसे कट्टर प्रतिद्वंदियों के बीच इस सीजन के पहले मुकाबले में चेन्नई ने 7 विकेट से बाजी मारी। इसके साथ ही सीएसके ने लगातार दूसरी जीत दर्ज की, जबकि मुंबई को फिर हार का सामना करना पड़ा। मुंबई की शुरुआत पिछले 10 सीजनों की तरह इस बार भी खराब रही और वो अपने पहले मैच में हार गई थी। दूसरे मैच में ये उम्मीद थी कि वो जीत के साथ वापसी करेगी, क्योंकि मुकाबला उसके मैदान वानखेड़े में था। फिर सामने चेन्नई थी, जिसके खिलाफ उसका रिकॉर्ड शानदार था। वानखेड़े में कहानी हालांकि उम्मीद के मुताबिक नहीं बढ़ी और मुंबई की हार हो गई। चेन्नई ने पहले अपनी दमदार गेंदबाजी की बदौलत मुंबई को सिर्फ 157 रन पर रोक दिया। उसके बाद चेन्नई ने 18 ओवरों में ही लक्ष्य हासिल कर लिया। चेन्नई की इस दमदार जीत में दबदबा रहा उसके आरआरआर यानी कि रविंद्र रहाणे और ऋतु राज का। शुरुआत रविंद्र जडेजा ने की। बाएं हाथ के दिग्गज भारतीय स्पिनर ने अपने 4 ओवरों में सिर्फ 20 रन दिए और 3 विकेट चटका दिए।